हेलो गाइस, वेलकम बैक। मार चल गए न्यूडो के साथ और वीडियो होने वाली है एमसी स्टैंड फुल एटीट्यूड पार्ट 7। भाई 6 पार्ट ला चुका हूँ, आप जानते हो 6 पार्ट लाने का मतलब 7th पार्ट में कितना बड़ा धमाल होगा। अब तो काफी लोग जान भी चुके हैं, तो भाई इस पे भी बहुत प्यार देना 7th पार्ट पे। और भाई एमसी स्टैंड की पब्लिक यार कमेंट किया करो भाई, जो भी उसके बहुत कर्रे वाले फैन है कि भाई 8वां लाओ, 7th पार्ट लाओ। और ये पार्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट में देखते देखते बताते जाना, ठीक है? तो लेट्स एंजॉय। क्या मालूम क्या फुल मजेदार है। अच्छा वो मेरे इतना अच्छा कर रहे ना, तू कर ही नहीं रहा है कुछ। जैसे मेरे रहा है, जैसे तुम मेरे लिए सवाल आया ना कि नीचे जा रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है मेरे लिए। आए हाथ बीतते नहीं, सिर पे डायरेक्ट। ये भाई और जगह सलमान खान के राजा देखो और ले मैं दूंगा भाई, रिएक्शन दूंगा इसके सामने। क्यों भाई पंगा लेते हो इससे यार? जीरो, कितने जीरो? ये क्या था? अच्छा ये वो है जाने वाला, इसके आगे इसके जाने के चांसेस कितने थे? आई थिंक वो है, हाँ वो कितना हुआ? 100 हाँ, 100% चांस है किसके ना जाने के, बचने के लग रहा आपको? अब आप बताओ कि क्यों नहीं लग रहा आपको? थोड़ा शांत शांत रह रहा मैं शायद से, इसलिए 100% तू सेफ है। भाई समझ रहे हो ना इसकी पब्लिक कहाँ है? आप एमसीएस 10 की गर्लफ्रेंड हो है? ये तो मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई हूँ, सब चीजें मैटर नहीं करती। एक्चुअली मेरे को पागल पागल है क्या जो कैसे लोग करते हो? हाँ और भाई वो किस लेवल पर है ना वो तो मैं पता भी नहीं। और सुन ले प्रियंका शालिन अंकित पूरा ग्रुप सुन ले, अब उनके दोस्त लोग साजिद अब्दू निमृत शिव से किसी करी तो खतरनाक, ये खतरनाक था। बोल रहे हो बिग बॉस देख रहे हो कि नहीं? यस सर, आई एम अ नंबर वन फैन, सारे एपिसोड्स देखती हूं मैं एंड ऑल सीजंस। बड़ा मजा आ रहा है सर, क्योंकि इस बार इस सीजन में इतने सारे अलग अलग किरदार हैं, इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं। स्पेशली मेरा फेवरेट है एमसी स्टैन। ये ब्रो गो बात पे के ये क्या था? अच्छा अच्छा ये क्लिप प्रियंका चर चौधरी जो वहाँ पे बहुत सारे वोट्स इनको आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो पॉपुलैरिटी होती है ना वो एक पॉपुलैरिटी यहाँ पर नहीं बीट कर सकी। स्टैन आर्मी खतरनाक है भाई, देखो 1,00,000 वोट यार बेबी। भाई प्रियंका का ना बहुत बड़ा मतलब फैन बेस उसका भी बहुत तगड़ा है। मतलब ये भाई ने जो बोला सही बोला कि एमसी स्टैन की पब्लिक को बीट नहीं कर पाया, तो भाई समझ रहे हो ना कितना बड़ा। ओह विनर भी बनेगा? यस हां, एमसी नहीं बनेगा, सपोर्ट दे उसके। अभी बाकी सबका तो पता नहीं, पर स्टैन आया तो जाएगा आगे तक, सबको पता भाई खतरनाक है। उधर है अपने बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए ले भाई लोग अभी कल्टी लो, मैंने मुंबई में बचाया एक बच्ची को। बस्ती की हस्ती पे जिसको रिएक्शन चाहिए भाई कमेंट करो, पक्का आएगा सॉन्ग पे। अरे लग गया इधर फायर हो गई ब्रो, बस्ती का हस्ती ब्रो, अमीर में हो गई गरीब ये भी करता मैं बस्ती को है भट्टे कर रहे ना भाई बहुत ओके। ये बहुत मस्त था उस दिन। ने लोग नॉमिनेटेड है तो क्या लगता है आपके हिसाब से इस हफ्ते कौन जाएगा बाहर? मैं तो चाहती हूँ कि स्टैन ही चला जाए इस तरह, क्योंकि मुझे ज्यादा झगड़ा करने वाले वैसे लोग जरा भी पसंद नहीं है। ये घर से बाहर चला, हाँ वो चला जाए और कभी वापस ना आए। अच्छा आ चुके हैं वहाँ पे फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स। भाई नंबर एक पे राज कर रहा है एमसी स्टैन, एमसी स्टैन के फैंस को वहाँ पे बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई, खतरनाक है भाई। इनकी जो पॉपुलैरिटी है भाईजान सलमान खान भी जानते हैं। ओ भाई 5,00,000
दोस्ती भी तोड़ी ली, बस अभी टारगेट करने वाला एक दो के लिए जीत। ये महसूस करते हैं कि इस घर में ये तो अगर आप रहे तो आपकी जान को जस्टिंग गाइस है यार ये स्टैंड से द बॉम्ब। अरे यार भाई शरीर मैटर नहीं करता भाई। कौन है घर में जो किसी का स्टैंड ही नहीं लेता है, अंकित या फिर एमसी स्टैन? अंकित के बारे में तो बहुत बोल दिया, एमसी स्टैन मेले में बच्चा नहीं होता जो घूम जाता है, तो उसका अलग अलग फीचर है। मेले में ऐसा झूला देखता है उसको अच्छा लगता है, झूला सामने उसके साजिद खान और अब्दू दिख जाते हैं तो उसको अच्छा लगता है, फिर उसको कुछ ऐसा दिखता है तो बोलता है दुनिया का मेला मेले में मैं अकेला। भाई एक बात तो है यार, ये जो यार क्रिएट मतलब जो वीडियो एडिट वगैरह करते हैं ना तो यार गजब हो यार, तुम जो भी बंदा एडिटिंग करता है ना ये गजब, मतलब जो इंसान की जैसे उसने कुछ बोला तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था खाली गाली उसके लिए, पर तुमने वो लगा दिया यार, तुम कर रहे हो यार जो एडिटिंग करता है ना वो खतरनाक है। ये वो है मैंने इसको म्यूट करा है भाई, एमसी स्टैन को बिग बॉस वाले सॉन्ग सुनाते हैं तो वो मैंने म्यूट कर दिया थोड़ा थोड़ा, जिससे कि भैया कुछ आए ना डाइट वगैरह। हल्का हल्का आपको सुनने को मिलेगा जैसे आप मिल सकता है, एक सेकेंड चालू हो जा भाई। अच्छा मैंने बंद कर दिया पूरी सॉन्ग। एमसी स्टैन जो है ना, एमसी स्टैन आपके अंदर का वो इंसान है जो आप बनना तो चाहते हो पर आपको सोसाइटी ने रोका। एमसी स्टैन अपने हिप हॉप का हीरो है। या भाई कोई नहीं जानता था साल्ट कौन है, किधर साइलेंट, क्या है क्या नहीं विषय तो बाहर जाके मालूम पड़े। ये वो है सबका बदला लेगा आपको, मैं वैसे नहीं क्या बहुत बहुत कुछ कर ले वैसे बाहर की जिंदगी। या पॉइंट है ये ओवर एक्टिंग की दुकान, वो दाल जैसे हिलाता है सबका। ये पॉइंट ये खतरनाक था। मेरा पति है क्या ये, मेरे को गाली देके नहीं बात किया ना, तो खड़ वाले मैं घुस के मारूंगा, निकल ले एक बार। स्टैंड स्टैंड मेरे बाप पे गया है, ये भी घुस गए। हां अभी बॉस कह लेते हैं मेरे साथ क्यों पूछ रहा है, चल निकल तेरी। रिएक्शन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और एक दिन प्यार और बस्ती की हस्ती इन दो सॉन्ग पे किस सॉन्ग पे पहले रिएक्शन दूं ये कमेंट में, जितनी ज्यादा कमेंट होंगी उस सॉन्ग पे मैं रिएक्शन डेफिनेटली आज ही दे दूंगा नहीं तो फिर कल दे दूंगा, ठीक है। तो आपको रिएक्शन कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना, और एमसी स्टैन का भाई एक लेवल तो मुझे पता चल गई है, इसकी फैन बेस आर्मी ना बहुत खतरनाक है। एक मैंने देखा इसके 1 लाख वोट और एक देखा 5 लाख, यार मतलब 5 लाख में मेरा एक वोट है तो मतलब मैं बहुत नीचे, मेरा भी वोट है भाई, मैं भी देता हूँ स्टैन को भाई, जब से मैं इसे पहले नहीं जानता था, बड़ा बिग बॉस से तो यार इस बंदे ने ना यहाँ जगह बनाई है सच में। इसके जो बोलने का टोन होती है ना एकदम यार खड़ी बिल्कुल, जिसको लगना है लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है यार अपना यही होना चाहिए एटीट्यूड लेवल। सो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड कमेंट जरूर करना एक दिन प्यार बस्ती की हस्ती। ओके बाय।